सबको नमस्कार। डेढ़ महीने तक लॉकडाउन के बाद आज से केंद्र सरकार ने देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ कुछ छूट दी है। पूरे देश को रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में बांटा गया है। ग्रीन जोन में काफ़ी रियायतें हैं, ऑरेंज जोन में थोड़ी कम हैं और रेड जोन में काफ़ी कम रियायतें दी गई हैं। हम सब जानते हैं कि पूरी दिल्ली को केंद्र सरकार ने रेड जोन में रखा है और दिल्ली के लिए, रेड जोन के लिए काफ़ी कम रियायतें दी गई हैं कि दिल्ली के अंदर ये चीज़ें अलाउड हैं और केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से उसके इतर कोई नहीं जा सकता। कोई सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के इतर नहीं जा सकती। तो उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से जो जो केंद्र सरकार ने अलाउ किया, हमने आज से दिल्ली में वो सारी गतिविधियां अलाउ की हैं। कुछ किस्म की दुकानें खुल सकती हैं, स्टैंड अलोन शॉप्स, मार्केट्स अलाउड नहीं है, मॉल्स अलाउड नहीं है, मार्केट कॉम्प्लेक्स अलाउड नहीं है। इंडस्ट्रियल एरियाज कुछ खुल सकते हैं, कुछ तरह की दुकानें रेजिडेंशियल एरिया में कुछ दुकानें खुल सकती हैं। उसी तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो हैं, टेक्नीशियंस हैं, आया है इस किस्म के लोग जो हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, वो लोग काम कर सकते हैं। इस तरह की कुछ ही रियायतें हैं जो मैंने कल आपको डिटेल में बताई थी, जो खुल सकती हैं। अब हमें धीरे धीरे किस तरह से कोरोना को हराना है। कोरोना को केवल सरकार नहीं हरा सकती जब तक लोगों का साथ नहीं मिलेगा, और दिल्ली के लोगों ने आज तक बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। सबसे बड़ा काम तो पिछले 5 साल में दिल्ली के लोगों ने करके दिखाया था जब डेंगू को हराया था। 2015 में डेंगू के 16,000 केस हुए थे, 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, और पिछले साल आप लोगों ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट प्रोग्राम किया था और डेंगू को हराया था। पिछले साल 1,500 केस हुए थे और एक भी मौत नहीं हुई थी दिल्ली के अंदर। गजब का काम करके दिखाया था आपने। अब हमें कोरोना को हराना है। जिंदगी भर तो लॉकडाउन में नहीं जीना ना, ऐसे लॉकडाउन कब तक चलेगा? कोरोना को हराएंगे तभी तो लॉकडाउन खत्म होगा। अभी दिल्ली के अंदर कुछ गतिविधियां शुरू हुई हैं, अब धीरे धीरे जब कोरोना को हराएंगे तो दिल्ली को और खोला जाएगा, फिर और खोला जाएगा, दिल्ली में और एक्टिविटीज शुरू की जाएगी। तो अगर दिल्ली के लोग डेंगू को हरा सकते हैं, पूरी दुनिया डेंगू के सामने झुक गई थी, आप लोगों ने हराया था, तो अब अपने को कोरोना को भी हराना है और मिलकर हरा सकते हैं। बस 3 चीजों का ख्याल रखना है। हर हालत में मास्क पहन के रखना है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं मास्क पहन के जाओ, घर के बाहर जाओ मास्क जरूर पहनो, ये सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। कसम खा लो कि मास्क पहने बिना आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। दूसरी चीज, सोशल डिस्टेंसिंग। आपको दूसरे लोगों से कम 2-3 गज की दूरी बना के रखनी है। किसी भी हालत में लोगों के करीब नहीं जाना, सोशल डिस्टेंसिंग। पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है कि जहां जहां लोगों ने इनका ख्याल रखा वहां पे लोग बच गए। और तीसरी चीज, अपने हाथ, हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं। हर आधे आधे घंटे में हाथ धो लो, साबुन से हाथ धो लो, सैनिटाइज कर लो, सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लो। ये 3 चीजों का ख्याल रखना है। अगर इन 3 चीजों का हम ख्याल रखते हैं तो आप कोरोना से बच जाओगे। आपको कोरोना होगा कि नहीं होगा, ये 90% आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इन 3 चीजों का ख्याल रखेंगे तो कोरोना आपको नहीं होगा, और हम दिल्ली के लोग मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। मुझे अपने दिल्ली के लोगों पर भरोसा है। कल केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से हमने भी छूट दी, जो जो केंद्र सरकार ने कहा भाई ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, उसके हिसाब से हमने दी। आज मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, कुछ दुकानों के सामने मैंने देखा कि इतनी भीड़ लग गई, लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे थे कुछ दुकानों के सामने। अपने लोग बहुत अच्छे हैं, दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानी, भगदड़ मच गई। इससे किसका नुकसान हो रहा है? आपका ही नुकसान हो रहा है, आप ही बीमार पड़ोगे।
आप सोच के देखो कि अगर आप उस भगदड़ में थे और उसमें दो चार लोगों को मान लो कोरोना था, आपको भी हो जाएगा, क्या फायदा होगा? आपकी जिंदगी खतरे में, आपके परिवार के लोगों को हो जाएगा उसके बाद। तो क्यों इस तरह का रिस्क मोल लेते हो, क्यों इस तरह की गतिविधि करते हो? जहां जहां आज लोगों ने इस तरह की हरकत की, सही नहीं किया। कसम खा लो कि कल से हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, कल से हम इस तरह की भगदड़ नहीं करेंगे, कल से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो, कल से क्यों, अभी से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो करेंगे, कहीं भगदड़ नहीं करेंगे। ये कोई मैं अपने लिए तो थोड़ी कह रहा हूं, मैं अपने आपके लिए कह रहा हूं, आपकी सेहत के लिए कह रहा हूं, आपकी जिंदगी के लिए कह रहा हूं, आपके परिवार की खुशी के लिए कह रहा हूं, अपने दिल्ली के लोगों के सेहत के लिए कह रहा हूं। और ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, और कोई दुकान बंद नहीं हो रही, कोई ऐसा थोड़ी है कि बस एक घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है, दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी, तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीज़ें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा, फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा, मुझे बाकी दिल्ली के सभी दिल्ली के लोगों की, आपकी सेहत के लिए, दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए कड़े कदम उठाने पड़े, हम कड़े कदम उठाएंगे। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो ये रियायतें दी गई है, इन रियायतों के, ये रियायतें इसलिए दी गई है ताकि अब धीरे 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 हम अपनी दिल्ली को खोलते जाएं, अब गतिविधियां शुरू करते जाएं, अर्थव्यवस्था शुरू होती जाए। अगर हम जिम्मेदार नागरिक बन के काम नहीं करेंगे तो फिर से और कड़ाई करनी पड़ेगी। और कब तक हम लॉकडाउन में रहेंगे? जिंदगी भर तो लॉकडाउन में नहीं रह सकते ना, 1.5 महीना तो हो गया लॉकडाउन में रहते रहते, अब तो अपने को खोलना चाहिए, तो अब तो जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। और जिम्मेदारी केवल इसलिए था कि हम लोग सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम नहीं चाहते कि और कड़े कदम उठाए जाएं, लेकिन अगर किसी एरिया के अंदर किसी दुकान पे अगर होता है, और दूसरी चीज, दुकान वालों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपकी दुकान है और आपकी दुकान के सामने ये नहीं हो रहा, आपकी दुकान बंद कर देंगे, आपकी दुकान सील कर देंगे। और अगर किसी क्षेत्र के अंदर कोई फॉलो नहीं हो रहा, तो उस एरिया को सील कर देंगे। फिर हमें करना पड़ेगा, आपके लिए करना पड़ेगा। मुझे अपने दिल्ली के लोगों पे गर्व है, मुझे अपने दिल्ली के लोगों पे भरोसा है, विश्वास है कि हम बड़े बड़े काम करके दिखा सकते हैं। हमने बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं, जब पूरी दुनिया डेंगू से जूझ रही थी, हमने डेंगू को हरा के दिखाया था, अब हम कोरोना को भी हरा के दिखाएंगे। दिल्ली के लोग पूरी दुनिया को कोरोना को हरा के दिखाएंगे। जय हिंद।